आप ये दे सकते हो, मीटर लाइट भी ऑफ होती है, ठीक है, और पार्किंग लाइट भी चालू है। तो ये पार्किंग लाइट भी ऑफ होती है, ये जो हम स्विच लगा रहे हैं इसमें मीटर लाइट, हेडलाइट और पार्किंग लाइट, ये तीनों लाइट बंद होने वाली है, ठीक है। तो इसके वजह से आप पूरा वीडियो देखो, स्किप मत करना। तो इसमें मीटर लाइट, हेडलाइट और पार्किंग लाइट बंद होगी सिर्फ एक बटन से, ठीक है। वो बटन हम अभी इंस्टॉल करने वाले हैं, और वो बटन सीधा ही जो कि इंजन से ही करंट जाता है उससे ही हम चालू करेंगे, ठीक है। मतलब जो लाइट वगैरह चालू होते हैं वो उस बटन से ही चालू हो गए। तो आप एंड तक वीडियो देखना, और किधर भी कट वायर नहीं है, ठीक है, ये विदाउट कट वायर का मेथड है। तो बहुत सारे लोग ऊपर से वायर कट करते हैं, तो हम वायर कट नहीं करेंगे विदाउट वायर कटिंग की प्रोसेस है, तो एंड तक देखना। चलो, तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये ओपन करना है, ये ओपन करना है और ये ओपन करना है, दैट्स इट। तो ये प्रॉपर तरीके से ओपन हो गया, ये देखो आप। तो इसे भी अपन स्क्रू को ओपन कर लेंगे और फिर काम चालू। तो हमें ये RR यूनिट से काम करना है, इसके वजह से हमें इतना सारा ओपन करना की ज़रूरत पड़ गई। तो ये RR यूनिट है, कोई रेगुलेटर बोलता है, कोई RR यूनिट, कोई रेक्टिफायर, ठीक है। तो सबके अलग अलग तरीके इसके पुकारने के लिए। तो इसे RR यूनिट, रेक्टिफायर और रेगुलेटर भी बोल सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये इसका नाम भी है, ठीक है। तो इसके ऊपर काम करना है, इससे वायर लेके जाना है और वो सीधा हेडलाइट स्विच में जाएंगी, ठीक है। वो कैसे जाएंगी वो भी आपको डिटेल में बताऊंगा, तो एंड तक वीडियो देखना। तो अभी हमें कपलर निकाल लेना है, और हमें एक ग्रे कलर की जो वायर है ये वाली, तो इसे ओपन कर लेना है, मतलब निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम कपलर निकालेंगे RR यूनिट की। तो अभी हमें इस कपलर से ये ग्रे कलर की वायर निकाल लेनी है। आपको इसके अंदर कुछ दिख रहा होगा जो लॉक है, इस लॉक को दबा के, ठीक है। तो सेम इसके लॉक के अंदर से दबाएंगे हम और फिर ये वायर निकाल देंगे। और इस स्विच लगाते समय एक इम्पोर्टेंट बात, आप नीचे कनेक्शन करो, ऊपर मत करो, ऊपर कोई फायदा नहीं है, आपको नीचे ही कनेक्शन कर लेने हैं। अंदर की लाइन देख लो, ये लाइन देख लो और मैच कर दो, ठीक है। और बाद में फिर आपको देखना है कि कौन सी वायर चालू कौन सी नहीं, तो वो चेक करने के लिए साइड में ऐसा लाइट रखो जो कि लाइट होल्डर में लगना चाहिए, ऐसा वो साइड में से रख दो। और फिर हमें जो कि नीचे कपलर था ये वाला, जो कि हमने अभी वायर निकाला है, उस पिन को होल्ड करके बैटरी के प्लस में लगा दो और फिर चेक करो, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि चालू है, बटन कनेक्शन बराबर है या नहीं। आप देख सकते हो, तो ये दोनों वायर ज़रूरी है, ये कुछ काम का नहीं। तो मैंने कुछ इस तरह से वायर ले ली है, ठीक है, जो कि यहाँ से ऊपर तक आएंगी बटन तक, ठीक है, यहाँ तक। तो वायरिंग चालू करते हैं, और आप फुल डिटेल में देखना, स्किप मत करो। तो अभी हमें इसकी एक वायर कट करनी है जो कि ए है, ठीक है। तो इसे यहाँ से कट कर देंगे और फिर इसमें स्लीव्स लगा देंगे। ठीक है, तो इससे अभी इंस्टॉल करेंगे। चलो फिर, तो सबसे पहले यहाँ पे टेप कर लेंगे हम, क्योंकि हिलना नहीं चाहिए इसके वजह से।
नॉर्मल सी लगा देनी है, कोई ज़रूरत नहीं है, पर तब भी। तो अभी हम वायर लगा देंगे, तो वायर के लिए तो अभी सारे वायरिंग कनेक्शन तो हो गए स्विच के, अभी बारी से ओपन करने के लिए। ठीक है, तो इसे ओपन करते हैं अभी। अब यहाँ से भी ओपन कर सकते हो कुछ इस तरह से, नहीं इसके पीछे से जोर लगा के इसे पुश करना, निकल जाएगा। ठीक है, तो ये ओपन हो गया एकदम ओके। सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ पे कनेक्शन हो गए, तो अभी हम इस जगह पे जिप टाई से इसे बांध देंगे। अब एक बार देख लो, हैंडल घुमा के आप देख लो कि कहाँ से वायर टाइट तो नहीं हो रही। ठीक है, इस तरह से इसे चेक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमें कुछ और करना होगा, यहाँ पे जिप्टा मारनी होगी। इस तरह तो हम इस जगह पे जिप्टा मार देंगे। तो जिप्टा अभी लग गई, एक बार फिर चेक कर लो, थोड़ी थोड़ी बार ऊपर खींच लो, एकदम ओके। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको वायर को छील लेंगे, तो नॉर्मल छीलने के बाद इसमें हमें लगाना है, थोड़ा और छीलेंगे, लूज कांटेक्ट नहीं रहना चाहिए, अगर लूज कांटेक्ट रहेगा तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। और मैंने इसके वजह से इसे काटा नहीं है, क्योंकि बाद में हमें फिर से लगाना होगा अगर पसंद नहीं आया तो, इसके वजह से। तो अभी हमें इसे छील लेना है, और जो कि हॉर्न के लिए क्लिप लगती है कुछ इस टाइप की, जो कि लगाने हमें इसमें। ठीक है, कुछ इस टाइप से एकदम अच्छे फिट बैठना चाहिए, तो आप जाके नई ले लो, 5-10 रुपये मिल जाएगी। हॉर्न क्लिप बोल सकते हैं आप, हॉर्न के लिए जो क्लिप लगती है वो क्लिप आप दे दो, तो आप वो बोल के आप एक क्लिप ले सकते हो। ठीक है, पर मेरे पास अवेलेबल ही नहीं थी, मेरे मार्केट में भी अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने मेरी पुरानी गाड़ी की क्लिप निकाल के अब इसमें इंस्टॉल करने वाला हूँ। ठीक, तो अभी हमें इसमें वायर लगा देनी है क्लिप में। और एकदम अच्छे तरीके से लगा दो, लूज नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो लूज कांटेक्ट की वजह से वायर जल भी सकती है। तो अभी हमें आधा यूनिट भी लगा देना है, सारे क्लिप्स को एक बार पुश कर लेंगे, अच्छे से फिट होना चाहिए सबके सब।
अभी सारा सब कुछ लग गया है, तो अभी हम फिटिंग कर लेते हैं। वायरिंग का पूरा काम हो गया, तो अभी बॉडी फिटिंग कर लेते हैं। चलिए फिर स्टार्ट। अभी लाइट्स ऑफ करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या चालू हुए और क्या बंद हुआ है, ठीक है? तो मीटर लाइट भी बंद होती है, हेड लाइट भी बंद होती है, पार्किंग लाइट्स भी बंद होती है। तो चलिए फिर। आप ये देख सकते हो, मीटर लाइट भी ऑफ होती है, ठीक है, और पार्किंग लाइट भी चालू है। तो ये पार्किंग लाइट भी ऑफ होती है, इस टाइम पे हमारा सारा काम हो गया है। बटन फिट हो गया है, वायरिंग टोटल हो गई, इसमें हेडलाइट, मीटर, पार्किंग लाइट टोटल ऑन ऑफ हो गए, ठीक है। फेयरिंग भी बैठ गई है सामने वाली, ठीक है। तो अगर आपने टोटल फुल वीडियो देखा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने मिस कर दिया हो, कुछ स्किप कर दिया होगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम तो एलईडी लाइट और पार्किंग लाइट इंस्टॉल करने का सोच रहा हूँ मैं। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताओ। और जो ये प्रोसेस थी सारी कंप्लीट हो गई है, और सिर्फ ये बटन जो है, बटन कैप क्या, वो साइड में रख दो। अगर आपको फ्यूचर में पसंद नहीं आता तो फिर से आप लगा सकते हो इसकी वजह से। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।